है कंज्यूमर्स, मैं हूं आपका होस्ट पीएसबी और आप देख रहे हो कंज्यूमर अवेयरनेस चैनल को। मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आप सभी लोगों को एक AMD और सैमसंग का जो प्रोसेसर का एक स्पीड टेस्ट है वो दिखाऊंगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो सैमसंग और AMD वाला जो स्क्रीनशॉट है वो कैसा है, लाइक जो आया है लीक हुआ है वो असल में पावरफुल है या नहीं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैमसंग का एक बहुत ही बुरा रेपुटेशन है कि उनका जो एक्सिनोस प्रोसेसर है वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता है काउंटर पार्ट्स जैसे क्वालकॉम और AMD, लाइक AMD नहीं मतलब एप्पल के जितना प्रोसेसर है उसके जैसा कैपेबल नहीं होता है सैमसंग का एक्सिनोस। अब जो CPU है उसमें तो सैमसंग ने काम कर दिया है, एक्सिनोस 2100 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है एटलीस्ट CPU के मारे में। अब जो मालिका जो GPU यूज़ करता है सैमसंग अभी तक करते आया है वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, तो जो थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स ओवर हीटिंग ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है अब सारे एक्सिनोस के प्रोसेसर के अंदर। तो अभी सैमसंग कोलैब कर रहा है AMD के साथ और बहुत ही अच्छा एक पैकेज लेके आया है AMD वाला, ग्राफिक्स लेके आया है एक्सिनोस प्रोसेसर के अंदर। आज आइस यूनिवर्स ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वाइल्ड टेस्ट हुआ है AMD का CPU मतलब GPU के साथ एक्सिनोस का CPU का एक टेस्ट हुआ है जिसमें बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आ रहा है। एवरेज जो फ्रेम रेट है वो 50 है। अब जो CPU का लॉस के बारे में मैंने सुना था, आप सभी लोगों को पता है 70% तक वो डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब 30% डिक्रीज होता है, 70% अपना पीक परफॉर्मेंस होल्ड करके रख सकता है और ये 100 टाइम्स बेटर है प्रोसेसर और GPU प्रीवियस लाइक एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ। हाँ, आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते एप्पल बायोनिक A14 या A15 के साथ क्योंकि उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ है अभी तक, पर ये फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है, देखेंगे लाइफ लाइक इन हैंड में कैसा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।